एनडीए जहां शपथ ग्रहण की तैयारी कर रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन विपक्ष में बैठने का ऐलान कर चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई बैठक के बाद कहा गया कि सरकार बनाने की कोई कोशिश नहीं की जाएगी। इस मीटिंग में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा शरद पवार, एमके स्टालिन, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अभिषेक बनर्जी, सीताराम येचुरी, उमर अब्दुल्ला, संजय राउत, डी राजा, चंपई सोरेन, कल्पना सोरेन, संजय सिंह और राघव चड्ढा समेत 33 नेताओं ने हिस्सा लिया। ये मीटिंग करीब 2 घंटे चली। इसमें इस सवाल पर माथापच्ची हुई कि क्या नंबर नहीं होने के बावजूद सरकार बनाने की दिशा में कोई काम करना चाहिए। सभी पार्टियों से राय लेने के बाद यह तय हुआ कि गठबंधन सरकार बनाने के लिए सही वक्त का इंतजार किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्षी अलायंस मोदी सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखेगा और सही वक्त आने पर सही कदम उठाया जाएगा। मतलब ये हुआ कि अभी सरकार बनाने की अटकलों को पूरी तरह से इंडिया अलायंस ने विराम दे दिया और कहा कि वो विपक्ष में बैठेंगे। और कल इंडिया अलायंस की हुई लंबी बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर यह बैठक हुई, जिसके बाद खड़गे ने इस बात का ऐलान किया कि इंडिया अलायंस सरकार बनाने की कोई कोशिश नहीं करने जा रहा है। The constituents of India bloc thank the people of India for the overwhelming support received by our alliance. The people's mandate has given befitting reply to the BJP and their politics of hate, corruption and deprivation. This is a mandate in defense of the Constitution of India and against price rise, unemployment and crony capitalism and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision, and we all together agreed on these points, and we'll definitely whatever promises we have given to the people इंडिया अलायंस के नेता नतीजे आने के बाद से दावा कर रहे थे कि वो सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बुधवार की शाम हुई मीटिंग के बाद राय बिल्कुल बदल चुकी है। सरकार बनाने का दावा करने वालों में सबसे आगे शिवसेना के उद्धव गुट के संजय राउत थे। कुछ ही घंटों में उनका बयान बदल गया। हमारे पास मैंडेट है, हमारे पास अभी भी 250 का आंकड़ा है हमारा खुद का। ये जो टीवी पे दिखा रहे हैं ना, ये झूठे आंकड़े हैं। कहाँ बन गई है बीजेपी के पास बहुमत? कहाँ है मुझे बताइए? आप बोलिए 240 पर फंस गए, 240 बने, 237 है, तो 237 पे सरकार बनती है क्या? अब नीतीश कुमार जी और चंद्रा बाबू तो सबके हैं। हमारी जो एकजुट चुनाव से पहले रही वो आज कायम रही। हमने ये तय किया है कि हमको जो मैंडेट मिला है वो मैंडेट इस देश में जो फैसिज्म बढ़ रहा है, तानाशाही, संविधान के खिलाफ जो काम चल रहा है उसके खिलाफ मिला है, जो करने वाले लोग हैं, तो हमको जब मौका मिलेगा, अप्रोप्रिएट टाइम का हम इंतज़ार कर रहे हैं, तब जो पीपल्स डिज़ायर है ये सरकार बदलने की, उस दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे। एनडीए की बैठक में सर्वसम्मति से तय हो गया कि देखिए, ये सर्वसम्मति कब तक टिकती है ये आने वाले 6 महीने में आपको पता चलेगा।